Hello, once again, good morning students. Myself, Jatin Dave from Asapura School, Bhuj. And we are going to continue chapter number 15, probability. Now, we see the sum about a cards. Means, example of cards, हम देखने जा रहे हैं. Previous video में, आज के हमने देखा था, examples of die and dice. Now, we are going to continue to calculate the probability of example of the cards. So first of all, once again, question number 4. So please, let's see the board and read the question number 4. Question number 4 is, one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Dear friends, apne cards to dekhe hain. Okay, playing cards ki baat kar raha hoon main. Aur वैसे भी playing cards khelne ka jo season hota hai, wo bilkul kareeb aa gaya hai. Matlab ki Shravan Mas. तो ओके देन अभी तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सम करने के लिए. तो जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं. इसमें से चार हिस्से बनते हैं 13 कार्ड्स इच. और ऐसे चार हिस्से में से दो टाइप के कार्ड्स होते हैं जो ब्लैक कलर्स के होते हैं. यहाँ पर देखिएगा, वैसे आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए. ब्लैक कलर्स के कार्ड्स 13 प्लस 13 कुल मिलाकर 26 होते हैं, जिसमें 13 कार्ड पर इस तरीके का सिंबल लगा हुआ होता है जिसे स्पैड कहते हैं, और दूसरे 13 कार्ड्स पर इस तरीके का सिंबल होता है जिसे क्लब्स कार्ड कहते हैं. हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे हम ब्लैक यानी कि काली के पत्ते या फिर चूली के पत्ते के नाम से क्लब्स कार्ड्स को जानते हैं. उसी तरह से 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर्स में, और रेड कलर्स में 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड शेप वाले और 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट शेप के साथ. तो इस तरह से टोटल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में कुल मिलाकर 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से चार टाइप के कार्ड्स होते हैं, डिवाइड होते हैं दो ब्लैक कलर में स्पैड और क्लब्स के नाम से, दो रेड कलर में डायमंड और हार्ट के नाम से. एक और बात बता दो, इस हर एक पार्ट्स के अंदर, फिर वो स्पैड हो, क्लब हो, डायमंड हो या हार्ट्स हो, इसके अंदर थ्री फेजेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक के नाम से, जिसे हम राजा, रानी और गुलाम या फिर जैकल के नाम से जानते हैं. ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कार्ड्स के बारे में. वैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं प्लेइंग कार्ड्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है, किस तरह से इसे खेलते हैं और इस पर कौन कौन सी निशानी होती है. ओके, लेट्स वंस अगेन सी द एग्जाम्पल नंबर 4. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. अच्छी तरह mix किए हुए 52 cards में से हमें एक पत्ता पूछना है. अच्छा, और क्या करना है? Find the probability that the card will be an S or not be an S. यहाँ पर दो probability find करनी है. ये जो cards हैं, ये S होना चाहिए या फिर S नहीं होना चाहिए. अब S का मतलब भी आपको बता रहे, इसका मतलब है एक का. किसी भी तरीके के ये जो चार टाइप के कार्ड्स हैं, इसमें जो सबसे पहला कार्ड बनता है वो एक एक का होता है. तो यहाँ पर एस का मतलब होता है एक का निकलना है. तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एस के लिए या फिर नॉट बी एंड एस के लिए. सो लेट्स गो. देर आर फोर एसेस इन द डेक. एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स के अंदर टोटल ऐसे चार इक्के होते हैं, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हार्ट्स वाला. ऐसे कुल चार इक्केस होते हैं. सो लेट इवेंट ई इज द कार्ड इज एन एस. सो हियर आवर फेवरेबल आउटकम्स इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 52 बिकॉज द डेक हैज 52 कार्ड्स. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 4/52. 4 वन जा 4 एंड 4 13 जा 52. 4 इज द कॉमन फैक्टर विच इज कैंसल आउट. And finally, we get PE is equal to 1/30. PE is equal to 1/30. Now, for second event, let F be the event, the card is not an S. यहाँ पर कार्ड S नहीं है, मतलब कि इक्का नहीं है. ऐसे कितने कार्ड्स मिलेंगे? So here, favorable outcomes is equal to 52-4. Deck के टोटल कार्ड्स में से 4 इक्के निकाल देने हैं, तो मिलेंगे 48. And here also, once again, total possible outcomes is 52. So put the value in the formula and we get PF is equal to 48/52. 12 fours are 48 and 13 fours are 52.
4 is the common factor which is cancelled out, and finally we get PF is equal to 12 by 30 is our second answer. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो सम देखा डेक ऑफ 52 कार्ड्स के लिए, जिसमें हमें एश या विदाउट एश के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं एक और एग्जांपल के साथ क्वेश्चन नंबर 14 में. वंस अगेन प्लीज रीड केयरफुली. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. यहाँ पर देखिए 6 अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले द किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर्स. हम जानते हैं कि रेड कलर्स वाले दो ग्रुप्स बनते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड्स के और 13 होते हैं हार्ट्स के, और इन दोनों के कलर के हिसाब से द किंग ऑफ द रेड कलर कितने किंग्स मिलेंगे हमें, दो मिलेंगे. तो फर्स्ट इवेंट लेट ए इज द किंग ऑफ द रेड कार्ड, इसके लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे दो. एक किंग मिलेगा डायमंड का और दूसरा मिलेगा हार्ट का, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52. तो यहां पर 2 वन्स आर 2 एंड 2 सिक्स 26 आर 52. देयरफॉर पी ऑफ ए हमें मिलेगा 1/26. ये प्रोबेबिलिटी हुआ फर्स्ट केस के लिए. नाउ फ्रॉम द सेकंड केस लेट बी द इवेंट व्हिच इज अ फेस कार्ड, व्हिच इज अ फेस कार्ड, एंड वी नो वेरी वेल all four types of cards, pair, clubs, diamonds and hearts have the three faces. So total kul milakar kitne faces hue, king, queen aur jack ko lete hue 3 4 za 12. So here our favorable outcomes is 12. Favorable outcomes is 12 and total number of outcomes is 52. So 4 3 za 12 and 4 13 za 52, we get PB is equal to 3/13. ये दूसरी प्रोबेबिलिटी हुई जिसमें हमने देखा कि फेस कार्ड हमें मिलता है. थर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है द रेड फेसेस कार्ड. तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्पेड और क्लब्स कार्ड है वो ब्लैक कलर है, डायमंड और हार्ट्स है वो रेड कलर के हैं. तो हमें यहाँ पर फेस कार्ड लेने हैं सिर्फ रेड कलर वाले, मतलब कि 3 डायमंड से मिलेंगे, 3 हार्ट से मिलेंगे, कुल मिलाकर 6. ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 52 अगेन, एंड देन वी गेट 3 2 जा 6 एंड 26 2 जा 52, 2 इज कैंसिल आउट एंड फाइनली वी गेट PC इज इक्वल टू 3/26. ओके, नाउ फोर्थ द जैक ऑफ हार्ट्स. हार्ट्स के अंदर सिर्फ एक ही जैक रहता है और वो है फेवरेबल आउटकम्स. So, PD is equal to 1/26 हमें मिलेगा. Because यहाँ पर हमें सिर्फ हार्ट वाला चेक ही देना है और ये एक कार्ड है, divided by total number of cards 52, sorry. So, we get probability of D is equal to 1/52. ठीक है, उसी तरह से इवेंट्स E हमारे लिए हैं और स्पैड्स. स्पैड के कुल कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स है. तो फेवरेबल आउटकम्स होगा यहाँ पर हमें मिलेगा 13 डिवाइडेड बाय 52 एंड फाइनली वी गेट 13 वन्स आर 13 एंड 13 फोर्स आर 52. सो आवर फाइनल आंसर PE इज इक्वल टू 1/4. एंड नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी F. लेट इवेंट F इज द क्वीन ऑफ डायमंड. यहाँ पर डायमंड के 13 कार्ड्स हैं और इसमें क्वीन वाला फेस सिर्फ एक ही है. तो यहाँ पर फिर से एक बार फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 डिवाइडेड बाय 52 एंड फाइनली वी गेट PF इज इक्वल टू 1/52. सो लेट्स डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने कार्ड्स को लेते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की. अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे 52 डेक ऑफ द कार्ड्स के बारे में. एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, चार तरीके के 13 कार्ड्स में वो डिवाइड होते हैं. स्पेड और क्लब्स ब्लैक कलर्स के साथ होते हैं, डायमंड और हार्ट्स रेड कलर के साथ होते हैं, और हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें से 3 फेजेस होते हैं और एक इक्का ये यानी कि एस होता है. किंग, क्वीन और जैक फेसेस हैं. एश मतलब कि एक इक्का होता है
और इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। ऐसे हमने दो क्वेश्चन देखे आपकी बुक्स में, फिर से एक बार आपको खोलना है, टेक्स्ट बुक को ओपन करना है और ओपन करने के बाद कार्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, टेक्सुअल एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए, उन हर एक को आपको प्रैक्टिस करना है, इसे सॉल्व करना है। सो नाउ वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, कल मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।